शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसके पीछे बहुत सारी प्रचलित कहानियां हैं। इनमें से एक कहानी ये भी है कि कहा जाता है एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में आपसी मतभेद हो जाती है अपनी महानता को लेकर। विवाद बहुत आगे बढ़ चुका होता है, दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, तभी उनके बीच से बादलों को चीरता हुआ आकाश की ओर एक चमकता हुआ ज्योतिर्लिंग तेजी से बढ़ने लगता है। ये देखकर दोनों लोग चकित हो जाते हैं और आपस में एक प्रतियोगिता रखते हैं कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग की शुरुआत या अंत को ढूंढेगा वही महान कहलाएगा। ब्रह्मा जी आकाश की ओर बढ़ चलते हैं, विष्णु जी धरती की ओर बढ़ चलते हैं। ब्रह्मा जी जब ऊपर की ओर जा रहे होते हैं तो उन्हें एक फूल नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई देता है। ब्रह्मा जी उस फूल को पकड़ लेते हैं और आकर कहते हैं कि उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग के शुरुआत को ढूंढ लिया। ब्रह्मा जी के झूठ को सुनकर शिव जी उन पर क्रोधित हो जाते हैं और उस ज्योतिर्लिंग से बाहर निकलकर ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि संसार में कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। और पहली बार इस दिन ही शिव जी को शिवलिंग के रूप में देखा गया था, इसीलिए इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है और महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।